आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे अगली बड़ी खबर पर। क्राइम कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक आज होगी, मुख्यमंत्री इस बैठक को लेंगे और सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक बस शुरू होगी। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो चुकी है, डीजीपी सहित आला अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक लेंगे, समीक्षा बैठक इसे माना जा रहा है। क्राइम कंट्रोल को लेकर इस बैठक में खासतौर पर बातचीत होगी जहां पर डीजीपी सहित आला अफसर मौजूद रहेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को रोका जा सकता है, बदमाशों पर और सख्ती से कैसे नकेल लगाई जा सकती है, तमाम महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और खासतौर पर स्थिति का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे क्राइम कंट्रोल की, जो तमाम रोड मैप तैयार किए गए हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए, क्या उस पर वाकई में काम हो रहा है और आने वाले समय में उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत हो सकती है। और यही वजह है कि डीजीपी और तमाम आला अफसर वहां पर मौजूद होंगे जो अपने क्षेत्र की जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे। दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्राइम कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, 11 बजे समय निर्धारित किया गया था, अभी तक बैठक क्या शुरू हो चुकी है और नहीं तो कितनी देर में शुरू होगी? बैठक का वक्त देर रात दोपहर 12 बजे कर दिया गया था, तो ये बैठक अब दोपहर 12 बजे यहाँ पर शुरू होगी, मैं आपको बता देता हूँ। और रात को ये मैसेज अपडेट हो गया था। और राजस्थान में लगातार पिछले दिनों रेप की कुछ घटनाएं बढ़ी है, अन्य तरह के जो संगीन अपराध है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इन सबको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद संवेदनशील और चिंतित है, लिहाजा राजस्थान में क्राइम कंट्रोल को लेकर आज वो अहम बैठक लेंगे जिसमें डीजीपी से लेकर तमाम पुलिस के आला अफसर मौजूद रहेंगे, आईजी एसपी और अन्य रैंक के जो पुलिस कर्मी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ेंगे। कार्यक्रम में एक बदलाव ये हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी से अभी ये बैठक लेंगे, पीएचक्यू वो पुलिस हेडक्वार्टर जाकर अब बैठक नहीं लेंगे। तो बिल्कुल दिनेश, ऐसे में क्या मुख्यमंत्री की तरफ से क्राइम कंट्रोल को लेकर, कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लेकर किसी प्रकार का सजेशन या सुझाव या निर्देश दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनने के बाद कई दफा वो पुलिस की इस तरह की बैठक ले चुके हैं, उसमें उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए थे उस रिकॉर्ड को पहले डे टू डे चेक किया जाएगा कि जो मैंने दिशा निर्देश दिए थे उन्हें किस तरह धरातल पर उतारा गया, आगे क्या सुधार किया जा सकता है ताकि अपराध और अपराधियों पर यहाँ पर नियंत्रण लगे। इसके अलावा रेप के केसेस लगातार पिछले एक महीने से बढ़ रहे हैं, उनकी क्या सच्चाई है, क्या वजह है, इन तमाम चीजों को लेकर रिव्यू बैठक यहाँ पर पुलिस कर्मियों की सीएम गहलोत करेंगे और फोकस रहेगा कि अपराधियों में भय हो और अपराधों पर नियंत्रण हो। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 12 बजे दोपहर ही पूरी बैठक शुरू होगी जहां पर मुख्यमंत्री इस बैठक को लेंगे और डीजीपी और तमाम वाला अफसर बैठक का हिस्सा बनेंगे।